जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो बन रही है इंडस्ट्री प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आपने काफ़ी वीडियोस पिछली वीडियोस में मेरे सुना होगा कि मैंने इंडस्ट्री प्रोजेक्ट को काफ़ी रिपीट किया है। तो आज जो है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट आखिर है क्या और उसमें मैंने क्या बनाया, क्या किया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट। सो आई गेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। बात यह है कि मेरा मास्टर्स के कोर्स में एक रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें एक इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेटिव काम करना होता है, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। वो इंटर्नशिप से काफ़ी मिलता जुलता काम है, बट हम उसको इंटर्नशिप नहीं कह सकते क्योंकि इंटर्नशिप में आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पर उनके जो है वर्कर्स एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं। इसमें जो है कम्प्लीटली अपोजिट। तो उसमें हम ये करते हैं कि हम इंडस्ट्री जाते हैं, हम उनका विजिट करते हैं, वो हमें एक टॉपिक अलॉट करते हैं, जो हमें एक ब्रीफ देते हैं, एक टॉपिक देते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, वन मंथ काम करते हैं, उसमें हमारी डेवलपमेंट्स होती हैं उस टॉपिक के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर हम काम करते हैं, और उस आइडिया को जो है हम जो है एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, जो है एक नए एंगल के साथ उनके सामने वो जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो उस चीज़ के हमारे कोर्स मास्टर्स में नंबर होते हैं उस चीज़ के, तो हमें जो है उस चीज़ पर काम करना होता है। तो ये जो सब पूरा प्रोसेस है, ये है इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का, इट्स अ वन मंथ प्रोसेस। तो इसमें जो है हमें उस आइडिया पे काम करना होता है, काइंड ऑफ लाइक अ कोलैबोरेशन विद द इंडस्ट्री। तो हम वो हमें टॉपिक देते हैं, हम उनके ऊपर काम करते हैं। तो मेरा जो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था, फर्स्ट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, वो था लेनिफिशियो के साथ, लेविलो के साथ। तो उनके साथ जो मेरा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था, उन्होंने मुझे एक ब्रीफ दी थी, एक टॉपिक दिया था जिसका नाम था फ्यूचरिज्म, प्रेजेंट फ्यूचरिज्म। तो बेसिकली हमें उसमें जो है एक थीम थी जिसका टाइटल था फ्यूचरिज्म, उसके ऊपर हमें काम करना था। तो फ्यूचरिज्म में जो है वो फ्यूचर का जो है एक पर्सपेक्टिव जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव के साथ उसके ऊपर काम करना था। काफ़ी ट्रिकी साउंड करता है, आई नो, बट वंस यू गेट स्टार्टेड ऑन इट, इट्स नॉट सच अ बिग डील। तो भाई इसमें जो है हमें कुछ डेवलपमेंट्स करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्केच बुक बनानी होती है उस आइडिया के ऊपर, हमें जो है जो हमारा आइडिया है, जो हम उसमें चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके कुछ स्केचेस हमें बनाने होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो है हमें प्रपोज करने होते हैं, कुछ आइडियाज़ पिच करने होते हैं, जो के हमारे जो एडवाइज़र होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो उन आइडियाज़ को जो है अगर ओके कर देते हैं तो फिर ही हम उसके ऊपर फर्दर जो है आगे काम करते हैं। तो भाई बात यह है कि अभी मेरा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट चल रहा है, और मेरा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट अपना जो है वो लेनिफिशियो सरदेवलो के साथ कर रहा हूँ। और उसमें मुझे जो है जो टॉपिक मुझे अलॉट हुआ है उनकी तरफ से, वो ये है कि फ्यूचरिज्म, और उसके ऊपर काम करने के लिए मुझे स्केचबुक बनानी है और सैंपल्स बनाने हैं। तो उससे पहले स्केचबुक पर काम जारी है और अभी मैं वही काम कर रहा हूँ। तो भाई इस सब के एंड में जो है हमें अपना पूरा काम जो है एट द एंड ऑफ द मंथ प्रेजेंट करना होता है। एक ज्यूरी आती है इंडस्ट्री की तरफ से, वो हमारा काम जो है जज करती है, हमारा जो टॉपिक है वो सारा टॉपिक जो है उसके ऊपर एवेल्यूएट करती है, और उसके हमें मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपका टॉपिक जो है उनको पसंद आता है तो वो सेलेक्ट करते हैं और वो कमर्शलाइजेशन में चला जाता है उनकी इंडस्ट्री में। तो सब इस सब के पीछे यही आइडिया है कि अगर आपका काम सेलेक्ट होता है तो वो इंडस्ट्री जो है वो आपका काम आगे वो जो है कमर्शियल लेवल पर वो प्रोड्यूस करती है। तो आपके भाई ने भी अपना काम प्रेजेंट किया था, तो मैं आपको कुछ झलकियाँ उसकी भी दिखाता हूँ। लिहाजा फरमाइए। तो ये था मेरा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। आई होप के आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया और क्या था। मेरे इस तरह के 4 इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हैं, 2 मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, ये पहला था, और दूसरा जो है वो मेरा राती के साथ था, वो भी उसकी वीडियो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैंने क्या किया था। और अभी मेरे 2 और रहते हैं, जो कि हैं एक पिचवाल के साथ और एक मोंटेरो के साथ है, वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज हैं, उनके साथ भी हैं अभी मेरे, वो सितंबर और अक्टूबर में होंगे, तो वो आगे वक्त में वीडियोस में आपको नज़र आएंगे। तो अभी जो है अभी मेरे समर वेकेशन चल रहे हैं, तो अभी जो है आप वीडियोस की कंसिस्टेंसी पे मेरा ज़्यादा फोकस है, तो आपको वीडियोस ज़्यादा देखने मिलेंगे इस मंथ में।
तो आज के लिए इतना ही था, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, उब्रया आउट। ओके गो।